नमस्कार दोस्तों, रेडमी के 3S या 3S प्राइम का बिना किसी सॉफ्टवेयर के लॉक कैसे खोलें, चलिए सीखते हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको अपना PC भी होना ज़रूरी है आपके पास 3S या 3S प्राइम के पैटर्न लॉक को अनलॉक करने के लिए। और PC में सभी सॉफ्टवेयर क्या इसके ड्राइवर इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अभी स्विच ऑफ हो रहा है फ़ोन, ये देखिए अभी मैंने इसको फुली स्विच ऑफ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, एक पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपका फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया हो। ठीक है, स्विच ऑफ होने के बाद आपको क्या करना है, इसका पावर बटन के साथ वॉल्यूम डाउन को दबा के रखना है, यानी कि फ़ोन को फास्ट बूट मोड में लाना है। तो पावर के साथ वॉल्यूम डाउन को अगर आप दबा के रखोगे तो आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। जैसे कि अभी मेरा फ़ोन फास्ट बूट मोड में आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है कि USB डाटा केबल जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट है वो आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, कनेक्ट करने के बाद ये आप अपने ड्राइवर चेक कर लीजिए, ड्राइवर उठा लिया नहीं उठाए हैं चेक कर लेना आप एक बार। और फिर आपको क्या करना है कि एक सॉफ्टवेयर आता है फास्ट बूट ADB फास्ट बूट मैनुअल, यानी कि मैनुअल ADB फास्ट बूट, ये आपको ओपन करना है इसको। ये एक ड्राइवर ही होते हैं फास्ट बूट ADB के। तो अगर आपको आपके PC में नहीं इंस्टॉल है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक कमांड विंडो खुलेगी। तो कमांड विंडो में सबसे पहले आपको टाइप करना है फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेज DEVICES डिवाइसेज। ये चेक करना है कि आपका फ़ोन फास्ट बूट में आपके PC से कनेक्ट हो गया है या नहीं हो गया है। अगर हो गया होगा तो आपको इस तरह से दिखाएगा, पहले कुछ ID दिखाएगी फिर फास्ट बूट मोड लिखा हुआ दिखाई देगा, आप देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने PC में फास्ट बूट लिखना है और फास्ट बूट के बाद -W लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, फास्ट बूट लिखने के बाद -W, ये देख लीजिए बराबर के निशान के पास में जो माइनस वाला होता है उसको दबाना है, -W। ठीक है दोस्तों, -W दबा के आपको एंटर कर देना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। ये देखा आप क्लियरली देख लीजिए, एंटर करने के बाद इसका क्या है कि डाटा इरेज हो जाता है। इरेज होने के बाद ये अपने आप इसका लॉक अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद आपको फ़ोन को या तो आप वैसे मैन्युअली ऑफ करके ऑन कर सकते हैं, फास्ट बूट रिबूट लिख सकते हैं, जिससे क्या है आपका फ़ोन बंद होकर चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि वीडियो यानी कि अभी ये रीसेट हो गया है पूरा टोटली, तभी ये अपना फ़ोन है ना ऑन होने में टाइम लेगा, कम से कम में 20 से 25 मिनट मान के चलो कम से कम। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देता हूँ। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड होता रहेगा इतनी देर तक। आप एक मैं म्यूजिक लगा देता हूँ कुछ थोड़ा मोड़ा, वो आप सुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुनते रहिए म्यूजिक। देख लीजिए अभी फ़ोन अपना स्टार्ट हो गया है, MEA 8 वगैरह आ गया है। अब आपको यहाँ से लैंग्वेज वगैरह और कंट्री वगैरह सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते ही आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि इससे आप इस चैनल से आपको और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, फ़ोन की और भी प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलते रहेंगे, जिसे आप कभी मिस नहीं कर पाओ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी फ़ोन के सॉफ्टवेयर करने में
या फिर किसी पैटर्न लॉक अनलॉक करने पे ये ध्यान रखना कि फ़ोन आपका ही होना चाहिए। अगर आप किसी के दूसरे के फ़ोन को आप बिना उसके अनुमति के अनलॉक करोगे या फिर कुछ भी करोगे तो आपके जो भी भैया आपको दंड भुगतना पड़ेगा वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आजकल अपने इंडिया का कानून बहुत सख्त है, तो कुछ भी लॉक वॉक तोड़ के अगर आप अपने सिम चला ली किसी दूसरे के फ़ोन में तो उससे आप तुरंत पकड़े जाओगे। क्योंकि ये तो उन लोगों के लिए जिनका क्या होता है कि घर पे बच्चे वगैरह फ़ोन को छेड़छाड़ कर देते हैं तो लोग भूल जाते हैं। तो ठीक है, ये देखिए अपना फ़ोन कंप्लीट ऑन हो गया है सेटअप, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट ओके ऑन हो चुका है। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे क्या मैं आपको और भी फ्यूचर में इससे भी बेटर फोन वो दे सकूँ, वीडियो दे सकूँ। किसी भी फ़ोन का अगर आपके उससे नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। वो व्हाट्सएप करने के बाद प्लीज़ आप रिप्लाई का वेट करना। ठीक है दोस्तों, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में अपना 100% दूँगा। देखते रहिए, अभी कंप्लीट हो गया है, क्या थोड़ा सेटअप होने में टाइम लेता है। अभी हो गया है, चलिए थैंक यू वेरी मच आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। ओके बाय बाय।